हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ एन एकेडमिक ग्रुप फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तिर्थानी दोस्तों एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं एक जबरदस्त शानदार मॉक टेस्ट। और आप लोग पहले ही क्वेश्चन के साथ में आप लोग स्पीड रखेंगे, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए गाइस। तो एक एक करके क्वेश्चन चालू करने वाले हैं, आप सभी लोग कैसे हैं, क्योंकि स्पीड अगर आप लोगों के पास में तो आप डेफिनेटली बाजी मार जाओगे। अगर स्पीड नहीं है तो फिर अगर जो 25 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले उसको आप 25 मिनट दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। वो 25 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं 12 से 15 मिनट के अंदर, तो एक-एक करके क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आने वाले हैं। फटाफट से मुझे आप लोग बताएंगे, ठीक है। और अगर टेस्ट सीरीज अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करी है तो दीपू10 रेफरल कोड लगाकर आप लोग जो है अनअकैडमी की जो टेस्ट सीरीज है उसे ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, जिसके अंदर आपको 100 टेस्ट अवेलेबल है, जिसके अंदर सारे बूस्टर्स अवेलेबल हैं। तो CHSL पार करना है, CGL पार करना ही है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल लगाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक्टर क्या करता है, प्ले करता है, तो संगोष्ठी कंसर्ट, कंसर्ट कौन करता है भाई, जल्दी से बताएंगे, फटाफट से, ज्यादा समय नहीं है। म्यूजिशियन क्या करेगा, कंसर्ट करेगा ना भाई, म्यूजिशियन ही जो होगा जो क्या करेगा, कंसर्ट करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और आपको कौन सा बदलाव इन समीकरणों में करना चाहिए जिससे कि ये समीकरण सही हो जाए, तो हमेशा नीचे से स्टार्ट करो, डी से स्टार्ट करो। तो मैं चेक करता हूँ, प्लस और माइनस के लिए बोला जा रहा है डी ऑप्शन के अंदर, तो डी ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ भाई, ठीक है। बारह में चार का भाग देंगे तो चार तिया बारह, तीन प्लस आठ तिया चौबीस, माइनस का और ये छः, और तीन कितना हो गया, नौ, नौ माइनस चौबीस, ठीक है, ये नेगेटिव में आएगा आंसर, तो नॉट इक्वल टू फोर, तो डी तो अपना आंसर नहीं है, ये हटा दिया, ठीक है। फिर सी के लिए चेक करते हैं, अब सी के लिए चेक करेंगे तो सी क्या हो जाएगा, देखिए भाई सिक्स प्लस और डिवाइड को बोल रहा है, तो डिवाइड बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय एट माइनस ट्वेल्व और प्लस फोर, ठीक है। इसको देखिए छः में भाग देंगे तीन का तो क्या आएगा, दो इंटू आठ माइनस बारह प्लस चार, आठ दूनी सोलह, सोलह और चार कितने हो गए, बीस, बीस में से बारह जाएगा तो आठ बचेगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा, सी भी अपना आंसर नहीं होगा। तो बी को चेक करते हैं एक बार भाई, बी को चेक करेंगे प्लस और मल्टीप्लाई को, तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस एट माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाय फोर, तो छेती अठारह, अठारह और आठ कितने हो जाएंगे आपके पास में, ये हो गए छब्बीस, छब्बीस माइनस तीन, छब्बीस माइनस तीन छेती अठारह, और ये भी नहीं हो रहा, तो भैया एक का मतलब जब एक भी ऑप्शन नहीं है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, जब चार में से तीन ऑप्शन आप लोगों ने चेक करी और नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना भाई, पीछे से स्टार्ट किया था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, आपको एक सीरीज दे रखी है और आपको बताना है कि सीरीज का आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। देखिए इधर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टू का स्क्वायर अगर इंटू वन करता हूं तो फोर आएगा, थ्री का स्क्वायर नो नाइन इंटू टू एटीन, तो ऐसे ही फोर का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर सोलह, सोलह इंटू तीन कितना आ जाएगा, 48 इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट बन रहा है 5 का स्क्वायर इंटू फोर, 25 चौक 100, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रख लेना इसको। चलिए नेक्स्ट, मिसिंग नंबर से रिलेटेड है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको फाइंड करना है, डू फास्ट। देखिए इधर ध्यान से, ये 20 इसको याद करना है ना, तो अपन इसको देखते हैं एक बार, 30 और ये 3 को देखो, तो 30 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 39, ऐसे 40 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 56, तो इसी तरीके से 20 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24, 24 इज द करेक्ट आंसर, क्या आंसर आ जाएगा 24। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बर्न जिनेवा ज्यूरिख ब्रिस्टल, बर्न जिनेवा ब्यूरिक ब्रिस्टल, बर्न जिनेवा ज्यूरिख ब्रिस्टल, इसका आंसर बताना है आपको, देखिए इधर ब्रिस्टल को छोड़कर हमें पता है कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में, बर्न स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, पर ब्रिस्टल जो है वो स्विट्जरलैंड में नहीं है, तो कौन सा अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, किसी कूट भाषा में ए एन टी, ए एन टी आई
एम ओ एन वाई, इसको लिखा हुआ है सी आर जेड क्यू डब्ल्यू ए बी ओ, ठीक है, इसका कोड ये है। तो जल्दी से बताएंगे फटाफट से क्या आंसर आएगा, डू फास्ट। प्लस टू, प्लस फोर, प्लस छः, ठीक है, माइनस थ्री, ऐसा लग रहा है भाई, आपको भी ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। प्लस टू, प्लस फोर, प्लस सिक्स, ठीक है, टी से क्यू, क्यू नहीं होना चाहिए था यार यहाँ पे, जेड के बाद क्यू दे रखा है, टी, अच्छा ये आई है यार, वही सोचो कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, प्लस सिक्स, यहाँ पे देखिए प्लस एट करेंगे तब जाके बनेगा, बिल्कुल सही, अब सही है, ये हो गया प्लस टेन, फिर हो गया प्लस ट्वेल्व, प्लस फोर्टीन, देन प्लस सिक्सटीन, तो इस तरीके का सीक्वेंस चल रहा है। टीचिंग के लिए क्या हो जाएगा, टी ई ए सी एच आई, ये एन और ये जी, तो इसके अंदर करना है अपने को प्लस टू, टी के बाद यू वी, इसमें करना है प्लस फोर, तो पाँच और चार नौ पे आता है आई, प्लस सिक्स तो सेवन पे आ जाएगा जी, प्लस एट तो तीन और आठ, ग्यारह पे आ जाएगा के, आठ में दस जोड़ेंगे तो अठारह पे आ जाएगा आर, तो ये आ जाएगा वी आई जी के आर, वी आई जी के आर किस में आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है, फिर उसके बाद में प्लस बारह करना है अपने को, तो इसमें आई, नौ में बारह जोड़ेंगे तो आ जाएगा उन्नीस, उन्नीस पे आता है अपना एस, ठीक है, नौ और बारह में कितना हो जाएगा, उन्नीस हो जाएगा, और 19 पे तो अपना जो है आपको पता है कि, ठीक है, H के बाद I है ना भाई, T E A C H I, तो T E A C H तक हो गया I, प्लस 12 करेंगे, 12 और 9 होते हैं 19, और 19 पे आता है अपने पास S, तो S यहां पर कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो E ऑप्शन अपने पास में आ जाएगा, नन, ठीक है, नन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, त्रिचा उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करता है और 15 मीटर जाने के बाद वह दक्षिण की ओर मिलता है, उत्तर में गया रहा था पर 15 मीटर जाने के बाद में वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी क्रॉस करके वापस आ जाएगा, मान लो ये है 15 गया था पर अब वापस से वो मुड़ के आ गया और 20 चला, फिर आगे क्या दे रखा है, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 10 चलता है, तो ये ले लो भाई 10 चलता है यानी यहां पे चलेगा क्योंकि ये 5, ये 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, फिर वो पुनः हो गया, ये 10 मीटर चलता है, फिर वो पुनः उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, ये लो पुनः उत्तर की ओर 5 और चल गया, तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक स्थान से 10 मीटर जो है नॉर्थ साइड पर है, 10 मीटर नॉर्थ की साइड पर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ममता का जन्मदिन 4 जुलाई के दिन मंगलवार को हुआ था, ममता का जन्मदिन 4 जुलाई मंगलवार को हुआ था, सही है, अर्पिता का जन्म 15 अगस्त, अर्पिता का जन्म 15 अगस्त को हुआ था, तो उसी वर्ष अर्पिता का जन्म दिन सप्ताह के किस दिन होगा, तो अर्पिता का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा यही पूछा गया, तो जुलाई से अगस्त पे जाना है ना, तो जुलाई 4, 31 में से 4 चले गए तो बचेंगे कितने, 27 दिन तो ये बचे, और अगस्त की 15 तारीख तक जाना है भाई, तो ये देखो 7 से अगर इसको काटें तो 7 चौक 28 होता है वैसे, तो दोनों को जोड़ दो, एक काम करो 12 का 2 हो जाएगा, हासिल का 1, 2 और 2 कितने हो गए 4, और 7 छंग 42, ये 7 का मल्टीपल है, अगर आप इसमें 7 का भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, इसका मतलब मंगलवार में 0 ऐड करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, ट्यूजडे आ जाएगा भाई, ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूजडे इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यहां पर देखिए कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4, 4 से मिलकर हो जाएंगे 8, इधर 1 2 3 4, 4 से मिलकर इधर भी कितने हो जाएंगे 8, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 के बाद देखिए इधर
वन टू, और वन और टू से मिलकर कितने हो जाएंगे थ्री, सही है ये हो गया थ्री, इधर वन टू और वन और टू से मिलकर कितना हो जाएगा थ्री, सही है, क्लियर है। फिर उसके बाद देखना भाई, और ये भी दो इधर, तो दो और दो कितने हो गए चार हो गए, सोलह और चार बीस, और छह कितना हो जाएगा छब्बीस, 26 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये लीजिए आपके सामने, पांच शब्द दे रखे हैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है आपको, कौन सा शब्द बीच में आएगा ये बताना है। तो देखिए सी आर यू सी आर यू सी आर यू तो आ ही रहा है, यू के बाद में यहाँ एम आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है, यू यहाँ पे भी यू आ रहा है, यहाँ यू के बाद में यहाँ एम आ रहा है, यहाँ डी आ रहा है, एम डी एस पी आई, तो डी पहले आएगा यानी डी ऑप्शन में आ रहा है, डी डी के बाद में फिर आ रखा है आई तो ए, ठीक है, फिर ए के बाद में पी एस और एम, तो एम पहले आएगा, ई वाला आ गया। अब उसके बाद में अगर दो लोग आ भी रहे हो तो हमें उससे मतलब नहीं है, सही है ना, क्यों मतलब नहीं है भाई, उसने बीच वाला ही पूछा ना, तो ई वाला ऑप्शन जो है वो बीच में आ रहा है, कौन सा क्रम, ठीक है, सी आर यू एम बी। चलिए नेक्स्ट, 95 को 68 लिखा हुआ है, तो मेरे भाई ये बताना है को 86 को क्या लिखा जाएगा, दो फास्ट फटाफट से करके बताएंगे आप लोग, अगर 95 को 68 लिखा हुआ है तो 86 को क्या लिखा जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप लोग भाई, सीधी सी बात है, देख लो 9 और 5 कितना हो रहा है 14 हो रहा है, और 6 प्लस 8 भी कितना होता है 14 होता है, खत्म। तो इसी तरीके से देख लो 8 प्लस 6 कितना हो रहा है 14 हो रहा है, तो 14 और कौन सा बना रहा है, ये नहीं बना रहा, ये नहीं बना रहा, ये नहीं बना रहा, ये बना रहा है 7 और 7 14, सही है। चलिए नेक्स्ट, अगला, करेला सब्जियां खाद्य सामग्री, वह आर एक चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध का निरूपण करता है, करेला सब्जियां खाद्य सामग्री, तो करेला सब्जियों में आएगा और खाद्य सामग्री भी आएगी, तो सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने दे रखा है, सीरीज आपको फटाफट से बतानी है क्या आएगी, फटाफट से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आ रहा है ना, तो 15 में किसका भाग लगाएंगे, 15 में 3 का भाग लगेगा या 5 का भाग लगेगा, सही है ना, 15 में 3 का भाग लगेगा या 5 का भाग लगेगा, तो ये लीजिए, ये ले लीजिए, अब कंपेयर कर लो क्यू एल, तो क्यू आ गया, एल आ गया, एन फिर यहाँ एन आ गया, क्यू एल एन फिर एस, ये एस डी, तो ये हो गया एस डी, ये हो गया एस डी, तो क्यू एल एन एस डी, तो आंसर बनेगा QLS LS ND। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, प्रोबेशनरी इसे कौन सा प्रयोग करके बनाया जा सकता है ये पूछ रहा है, तो नोटिस NOTIC कहाँ आ रहा है, इसको तो नहीं बना सकते, बोल रहा है कौन सा बनाया जा सकता है, PARTS PARTS नहीं आता, TIONS TIONS नहीं आ रहा, तो ये तीन नहीं बना सकते, तो एक ही बना पाएंगे अपन लोग, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से फटाफट से ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को होमवर्क के अंदर करना है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल बने रहना है डेली बेसिस पर, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा, वाईफाई स्टडी स्पेस रीजनिंग नाम से ग्रुप का लिंक है, t.me/wifi-study-deepak, ठीक है। अभी एक वीडियो भी प्ले होगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ठीक है गाइस, बहुत मजा आएगा, और अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, उस पर 100 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हैव अ नाइस डे।